हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, जो कि मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस है? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? थर्ड डे। ओके, चलो। इंजन ऑन है? चलो। फर्स्ट डे, सेकेंड डे क्या क्या सीखा आपने? मतलब गियर कंट्रोल करना और रेस देना और ब्रेक और ऑलमोस्ट कंट्रोलिंग सारी चीज़ें। हैंड बैग लगा हुआ है डिस्प्ले में, देखो शो कर रहा है। ये देखो शो कर रहा है। चल, अपने झटके से क्लच को छोड़ दिया, इसलिए गाड़ी बंद है। कभी भी झटके से क्लच को नहीं रिलीज करते, और जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, एक्सेलेटर पे नहीं होना चाहिए। गाड़ी अगर ढलान पे है या स्लोपिंग पे तो गाड़ी तो पीछे चली जाएगी। आपने जिस टाइम क्लच दबा रखा है और इंजन फ्री है तो लुढ़क जाएगी आगे पीछे, है ना। जब भी गाड़ी को, इंजन को ऑन करते हो तो आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए और ब्रेक दबा भी होना चाहिए। चलो, स्पीड बढ़ाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो। जब गियर चेंज करते हैं ना तो राइट वाले पैर को ब्रेक पे रखना होता है, दबाना नहीं होता है। अभी जो आपने किया ना, रखने की बजाय आपने उसको दबा दिया, अभी इंजन बुझ जाता है गाड़ी का। रखने में दबाने में बहुत फ़र्क है। यहीं से लेफ्ट का सिग्नल दो, यहीं से लेफ्ट टर्न करना है। अब काटो। आपने देखो कितनी बड़ी गलती करी अभी। सीधी करो। आपने कितनी बड़ी गलती करी पता है आपको? आपने एक बार भी हॉर्न नहीं पुश किया टर्निंग पे, और वो बंदा सामने से रॉन्ग साइड आ रहा था, बट गलती आपकी है। क्योंकि आपको टर्न करने से पहले क्या करना चाहिए? हॉर्न देना चाहिए, जो कि आपने हॉर्न दिया ही नहीं। भाई, टर्निंग पे दो तीन चीज़ें आपको कंपलसरी, एक टर्निंग पे राइट वाला पैर ब्रेक पे, दूसरी चीज़ सिग्नल देना है 50 से 100 मीटर बिफोर, तीसरी चीज़ आपको हॉर्न बजाना है। भाई, कोई भी अचानक आके भिड़ा देगा, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे हुआ क्या। अब वो रिक्शे वाला नीचे देख रहा था, उसकी नज़र ही नहीं थी सामने। अभी पहले स्टीयरिंग संभालो, लहरानी नहीं चाहिए। ये जैसे नाली आई थी बीच में, भी रोड टूटा हुआ था, यहाँ पे आपका ब्रेक पे पैर आना चाहिए था, बट आता तब जब आपको दिखता, वो दिखाई नहीं आपको। दिखाई नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ड्राइविंग में जितना ज़्यादा आप सीरियस हो जाओगे ना, उतना, जैसे आप IAS की तैयारी करते हो ना, MBBS कर रही हो ना, आप प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ, तो कैसी उसकी प्रैक्टिस करते हो? तो ये ड्राइविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें नज़र हटी दुर्गा, एक एक दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस करेंगे तो फिर इसमें डेली का डेली आपको रिवीजन करना ही करना है, डे वाइज डे इम्प्रूवमेंट लाना है, पैटर्न टू पैटर्न चीज़ों को समझना है, अप्लाई भी करना है। क्योंकि फोर व्हीलर एक ऐसी चीज़ है ना कि इसमें कोई परफेक्ट नहीं हो पाता है, कोई भी नहीं हो पाता, चाहे वो 20 साल से चला रहा हो चाहे 40 साल से। अभी स्ट्रेट जाना है हम लोग को सीधा। अब यहाँ पर चारों तरफ एक बार चेक देख लेना, हॉर्न बजा देना, क्योंकि बी अलर्ट है, रेड लाइट काम कर नहीं रही है। तो हाँ, चलो जाओ, लेफ्ट आओ हल्का, बस राइट काटो। थोड़ा सा अलर्ट रहना और फुर्ती रखनी है, नज़रों को चौकन्ने रखना है कि कब कौन किधर से आ रहा है, कहीं से भी कोई आ सकता है। अभी स्पीड मेंटेन करो। पहली बात तो स्टीयरिंग नहीं लहरानी चाहिए, अगर आपकी स्टीयरिंग लहरा रही तो गियर का कोई मतलब ही नहीं है, फिर गियर लगाने का कोई रीज़न ही नहीं है। अगर स्टीयरिंग बबल कर रही तो गियर लगाने का कोई रीज़न नहीं है। सबसे पहला तो हमको स्टीयरिंग संभालना है, स्टीयरिंग ज़रा सा भी नहीं लहरानी चाहिए। अभी रिंग रोड आ रहा है, वहाँ से आपको लेफ्ट जाना है। सेकेंड गियर में आप 20 से 30 चल सकते हैं, मैक्सिमम 30।
30 पहुंचते ही आपका थर्ड गियर लग जाना चाहिए। और इस लेफ्ट वाले मिरर में भी आपकी नज़र जानी चाहिए। अभी जैसे देखो 100 मीटर बिफोर आपको लेफ्ट का सिग्नल देना है, सिग्नल दे लेफ्ट का, हाँ, और पहले से अलर्ट हो जाना है कि भाई रिंग रोड है तो बहुत तेज़ी से राइट से गाड़ी भी आ सकती, तो उसके लिए पहले से आपको प्रिपेयर हो जाना है कि भाई हमको करना क्या है। अभी टर्निंग के टाइम राइट वाला पैर ब्रेक पे आएगा, बट ब्रेक दबाना नहीं क्योंकि यहाँ पे हल्की सी स्लोपिंग भी है, दबाना नहीं है, आपने दबा दिया ब्रेक, लेफ्ट टर्न करो। अब देखो क्या कर रहे हो, ये देखो क्या किया आपने, आप वीडियोस देखते हैं मेरी सारी वीडियोस? नहीं नहीं, अभी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन मिलता है आपको। मैंने कल कौन कौन सी वीडियो डाली है, स्पीड कम, तो मैंने जो कल दूसरी वीडियो डाली है उसके बारे में बताइए मुझे थोड़ा सा। मैंने जो कल वीडियो डाली थी वो 64 ओल्ड मैन है, कलकत्ता से आए हुए हैं, और उन्होंने सिर्फ साइकिल चलाई, कभी बाइक भी नहीं चलाई है, और वीडियो देख के कल इतनी गजब की उन्होंने फर्स्ट डे कार चलाई है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मतलब कभी कार नहीं चलाए। इतनी हेल्प मिलती है वहाँ से, ठीक है। देखो राइट वाला पैर ब्रेक पे आया था गियर बदलते टाइम, नहीं आया, और स्टीयरिंग भी लहरा दी थी। जो आप डेली सीख रहे हो उसको आप याद कैसे करोगे, जो डेली आप सीख रहे हैं उसको याद कैसे करेंगे? या तो आप प्रैक्टिस करें, या नोट्स बनाएं, या वीडियोस देखें, तो आपको आपकी कमियां पता चल जाएगी, भाई स्टीयरिंग लहराने का क्या तरीका है, क्यों लहरा रही है सीधा, गियर बदलते टाइम एयर ब्रेक पे क्यों नहीं आता। ये जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं ये चला चला के ही आएंगी। जब हम दूसरे को किसी को देखते हैं ना तो उसकी हमें कमियां बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, तो जब वो कमियां समझ में आती, सीधा पुल पे चढ़ जाऊँ तो हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। और अपना लेफ्ट ही रखना क्योंकि फ्लाइवर है, राइट से ट्रक वर्क भी आ रहे हैं। हाँ, स्पीड कम, जब कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो तो क्या करना चाहिए, स्पीड बढ़ाना चाहिए या कम करना? बढ़ाओगे तो भिड़ जाएगी, टकराए, वो भी बढ़ा रहा है, आप भी बढ़ा रहे हो, तो दोनों की गाड़ी भिड़ेगी। ऐसी सिचुएशन में आपको स्पीड कम कर लेना ताकि वो निकल जाए। स्लो, अभी ढलान आ गया तो राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया हूँ क्योंकि यहाँ एक्सीलेटर की नीड नहीं है, यहाँ ऑलरेडी आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा हल्का फुल्का अगर स्पीड बढ़ रही है तो, घटाने के लिए क्योंकि ढलान है। हाँ, अगर चढ़ाई है तो वहाँ पे आप हल्का एक्सीलेटर कर सकते हैं, ढलान पे ब्रेक पे पैर रख के नीचे गाड़ी उतारनी है, इतनी स्पीड ऑलरेडी हो जाती है गाड़ी में। नीचे से देखो ट्रैफिक आता है तो यहाँ पे एकदम अलर्ट हो जाना है कि भाई नीचे से कई बार ट्रैफिक आ जाता है। चलो लेफ्ट वाले मिरर को देख लेना, ऐसी कंडीशन में जब निकल रहे हो तो लेफ्ट वाले मिरर को एक बार चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं गाड़ी आ रही कोई, ज़्यादा राइट नहीं जाना है। स्पीड बढ़ा लो थोड़ा सा, है
जाओ चलो। चौराहों पे थोड़ा सा बस अलर्ट हो जाना, कई बार बाइक वाले रिक्शे वाले नहीं रोकते हैं गाड़ी, तो आपको चौकन्ने रहना है। और एकदम से लहराते नहीं है गाड़ी, जैसे अभी आपने लहराई एकदम से नहीं काटते, आपको लेफ्ट और राइट वाले मिरर पे हमेशा नज़र रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपके अगल बगल चल क्या रहा है, ठीक है। अभी गियर डाउन करो, सेकंड गियर करो, अभी तुरंत नहीं छोड़ना, हल्का ब्रेक लेके तब, क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, गियर कम किया है तो स्पीड भी तो कम करनी है ना, तभी तो, नहीं तो फिर गाड़ी पूरी जग कर जाएगी। सीधा लॉन्ग हॉर्न पुश करो, देखते रहना चारों तरफ से, राइट खोल का राइट, चौराहों वगैरह पर हल्का सा ब्रेक लेके निकालोगे ना तो गाड़ी कभी भागेगी नहीं, आपके कंट्रोल में रहेगी। ये देखो कितना ज़्यादा सटा दिया आपने साइकिल वाले पे, वो तो अपनी जगह सही चल रहा था ना, गाड़ी किसकी लेफ्ट आई तो वो नहीं होना चाहिए। स्पीड ज़्यादा भगाइए मत, भगाने कोई फ़ायदा नहीं है, जितना स्लो चलाएंगे उतना अच्छा चला पाएंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।